हेलो फ्रेंड्स, इंटरनेट कोर्स के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब होस्टिंग क्या होता है और वेब होस्टिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और मैं वहाँ पर डायरेक्टली आपको लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको थियोरिकल समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव बताऊँगा कि वेब होस्टिंग कौन देता है और वेब होस्टिंग खरीदने में हमें कितने रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वेब होस्टिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जो आपके सामने दिख रहा है। अगर हम लोगों को इमेज, ऑडियो या वीडियो को सुरक्षित रखना होता है तो हम लोग एक मेमोरी कार्ड या फिर एक पेन ड्राइव खरीदते हैं ताकि मेरा ऑडियो, वीडियो, इमेज एक जगह स्टोर रहे। उसी तरह से वेब होस्टिंग भी कई सारे वेबसाइट को इंटरनेट पर कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि चीज़ों को रखने की सुविधा देती है। मेरे कहने का मतलब, अगर हम लोग एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को वेब होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग वेब होस्टिंग नहीं खरीदेंगे तो हम अपने वेबसाइट पर कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो फाइल, कोई भी वीडियो फाइल नहीं अपलोड कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में हम लोगों को वेब होस्टिंग खरीदना पड़ता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जीबी का प्लान लेते हैं। अगर आप 10 जीबी का प्लान लेंगे तो आपके वेबसाइट पर जो पावर होगा वो केवल 10 जीबी तक होगा, आप 10 जीबी तक ही कुछ उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको लाइव दिखाता हूँ कि कितने रुपये हम लोगों को होस्टिंग लेने में लग जाता है। मैं यहाँ पर GoDaddy का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए वेब होस्टिंग लिखा हुआ है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, जब मैं वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा, होस्टिंग खरीद कर भी बताऊँगा, सारा चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए नीचे में यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे है 99 रुपया जो है आपको पर मंथ लगेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो स्टोरेज दिया जा रहा है वो आपका स्टोरेज है 30 जीबी, इसमें 30 जीबी तक आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 199 रुपया प्रति माह देते हैं तो आप उसमें 100 जीबी आपको स्टोरेज दिया जाएगा एंड एक प्रोफेशनल ईमेल भी दिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एनुअल प्लान भी दिया जाएगा फ्री डोमेन। अगर आप 239 रुपया पर मंथ देते हैं तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट, मतलब आप जितना चाहे उतने वेबसाइट में आप इसको होस्टिंग कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टोरेज भी है यहाँ पे और अनलिमिटेड सब डोमेन है, मैंने सब डोमेन पर भी एक वीडियो बनाया है। उसके बाद अगला जो प्लान है 399 रुपया पर मंथ का प्लान, जिसमें कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलिमिटेड डाटाबेस, फ्री प्रीमियम DNS, SSL सर्टिफिकेट, कई सारे चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लें कि आपको अपने वेबसाइट पर क्या करना है। ऐसे तो अभी आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मैं वेबसाइट का कोर्स स्टार्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा एक सिंपल वेबसाइट है तो मैं क्यों उतना महंगा खरीदूँगा, मैं सिंपल फर्स्ट वाला खरीद लूँगा, ये जो दिख रहा है आपको 30 जीबी रहेगा उसमें स्टोरेज एक वेबसाइट के लिए, और मुझे देना पड़ेगा पर मंथ 99 रुपया का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वेबसाइट बनाने की सोचते हैं तो हम लोगों को कई चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि डोमेन खरीदना और होस्टिंग खरीदना, कई चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको वेब होस्टिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।